हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सुलेमान, तो बहुत अरसे बाद व्लॉग बना रहे हैं। तो फिलहाल आप हम लोग जा रहे हैं जी जेबी के गांव। ये आप लोग देख सकते हैं, ये उसामा की गाड़ी खड़ी है, ये नबील की गाड़ी खड़ी है, वो पीछे करण की गाड़ी खड़ी है। तो बाकी आपको हम रास्ते में दिखाते हैं। तो गाइस फिलहाल पेट्रोल वगैरह डलवाना था, पेट्रोल वगैरह डलवा लिया है। तो अब हमारे वाली जो गाड़ी है उसमें है जी आयुष बैठा हुआ है, उसके बाद उसामा है और उबैद है। वो जो सामने गाड़ी जा रही है उसके अंदर नबील है और उसके साथ सैफ है। ये पीछे से आ रहे हैं अली खरल है और उबैद खालिक है इसके अंदर। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी सालम की तरफ। पहले हम जाएंगे, फिर सालम से आगे हम जाएंगे मंडी बावलदीन। मंडी बावलदीन से थोड़ा सा पहले आता है हेड फकीरियाँ, वहाँ पे मियाना गोंदल है, वो जेबी का गाँव है। उसने आज हम वो देखें, वो गाड़ी के आगे ना लुमड़ी आ गई थी। तो जी इस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, तो अल्लाह पाक के शुक्र से ये चेक करें जी गाड़ी बच गई है। ये चेक करें जी यहाँ पे आके लगा है, ये बट और मैंने मिल के जोड़ी है। ये नबील लोग वापिस आ गए हैं जी, ये नबील खड़ा हुआ है, ये सैफ खड़ा हुआ है जी, ये आयश सामा उबैद और ये मैं। ये हमारे हैवी ड्राइवर क्रूज मोड ऑन करके गाइस ये चेक करें। अब हम मोटरवे पे चढ़े थे गुड मोमेंट से, तो अभी हम पहुंच गए जी नीचे उतरने वाले हैं। तो गाइस जी हम अब मोटरवे उतर रहे हैं। वो जी नबील और वो अली सालम। तो गाइस ये जेबी हम लोगों को लेने आया था, इस गाड़ी में जेबी बैठा है अपने कजनों के साथ। और गाइस ये अली खरल हैवी ड्राइवर आज का, और वो पीछे आ रहे हैं नबील और ही। तो ये जेबी का, अब हम पीछे पीछे जाएंगे, जेबी हम लोगों को लेके जाएगा अपने डेरे तक। जेबी के दायरे की तरफ जो रास्ता जाता है ये थोड़ा सा खराब है, ये सड़क नहीं बन रही है। तो ये आगे जेबी, ये देखे जी गाइस हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस ये अब हम लोग पहुंच गए हैं जी, ये जेबी लोग के डेरे का नाम है डेरा करीमे का, ये देख ले जी गाइस ये जेबी मिल गया हमें। और अब ये गाड़ियां यहाँ पर लगा दी हैं जी, ये दारे का दरवाजा भी खुल गया है। जेबी क्या क्या कहना चाहेंगे, ये रोड बन रही है, कब शुरू हुई है रोड, तो कब तक बन जाएगी, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा जी ये आयुष भी अपना व्लॉग बना रहा है जी, ये हम सारे ये टोटल बंदे हैं जो आए हैं। अब हम जा रहे हैं ये इनकी जमीनों वगैरह को देखने, ये भाई और ही बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ जमीनों पे। हाँ जी भाई देखें। अच्छा अच्छा ये जेबी, जेबी ने अपने लिए रखा हुआ यहाँ पे, वो देखें जी डर गई है। ये जी ये जेबी लोगों ने जो पेंसिल रखी हुई है वो है फैक्ट्री हमारी। ये जी इनकी लकड़ी की फैक्ट्री है, ये जी इनकी लकड़ी की फैक्ट्री है भाई की। ये आयुष व्लॉगर भी हमारे साथ है भाई, ये साइड वाली पे इस पे क्या लगाया हुआ है जी। अच्छा नर्सरी भी बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे कितने का कोई इलाका है, मतलब कितनी जमीन है आप लोगों की जी। 20-22 एकड़ जमीन है जी इनकी, और उस पर लगाया क्या क्या हुआ है। अच्छा ये जो ये तैयार हो रही है ये किस चीज की है, गंदम लग रही है। अच्छा यहाँ पे गंदम लग रही है, तो ये साथ से खाला जा रहा है, खाल जा रही है।
गाइस ये चेक करें, हम हैवी मशीनरी भी साथ लेके आए हैं अपने। ये हमारे साथ हैवी मशीनरी भी आई है। गाइस ये इसको गोंगलू मार रहे हैं ये लोग, गोंगलू को गोंगलू मार रहे हैं। चोटी दी रकान कहंदी चाहिदा है हण, मैं कहा ना मेरी आकड़ नहीं मान तीस मार। गाइस घूमने फिरने के बाद अब हम लोग वापस जेबी के दारे पे आ गए हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये भाई स्नैप बना रहे हैं, ये जेबी के चाचू हैं ये, आई डोंट नो कौन है ये जेबी। यहाँ पे पहले हम बैठे हुए थे, वो व्लॉग में डालना याद नहीं रहा, स्नैप बनाई है वो डाल देंगे बाकी वो देखिए जी। ये भाई आप क्या लगते हैं जेबी के, ये जेबी का कजन है जी, ये देखें ये। ये जेबी बैठा हुआ है जी, आयुष और ये सारे हम बैठे हुए हैं। ये बाट ने सबसे पहले खाना शुरू किया है और ये जेबी ने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया है। ये भी मैं एक वीडियो भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तस्वीरें वगैरह बनाने के बाद ये सारे खड़े हुए हैं, तस्वीरें भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये मैं जी, ये भाई खड़े हुए हैं, उसके बाद ये देख लें जी। अब हम लोग वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं, वो उधर चेक करें लंडे का व्लॉगर भी खड़ा हुआ है। गाइस ये मेरे पैर पे चोट लगी हुई थी तो खेड़ी पहन के सही तरह चला नहीं जा रहा था, तो मैंने खेड़ी फेंक दिया, वो वहां पे चेक करें। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, ये यहाँ पे नबील अपनी गाड़ी की सारों की गाड़ियों की तस्वीरें वीडियो बना रहा है। तो गाइस बस वो देखें जी, सूरज भी ढल रहा है। तो गाइस ये अब हम लोग निकल रहे हैं खरल, हम लोग और वो पीछे नबील लोग आ रहे हैं। उनकी बैटरी लो हो गई थी जिसकी वजह से एंड नहीं कर सका। अल्लाह हाफिज़।